वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम रिएक्शन करने वाले हैं इंडियाज गॉट लेटेंट के लेटेस्ट एपिसोड पे, यानी कि एपिसोड नंबर 8 पे, जो कि रिलीज हो चुका था। एंड मैं थोड़ी सी लेट हूँ रिएक्शन करने के लिए। एंड थंबनेल के ऊपर मुझे पूनम पांडे नजर आ चुकी, एकदम सेंटर में ही नजर आ चुकी है। एंड देख लेते हैं और भी कौन कौन है। पूनम पांडे ऑनलाइन, विदित चेस एंड विवेक, विवेक मैजिक, ओके। तो ये तीन जो है वो गेस्ट है एंड बाकी के दो जो समय एंड बलराज भाई तो भाई रहते ही है वैसे ही। तो देख लेते हैं कि ये वाला एपिसोड कैसा होता है। एंड पूनम पांडे आई है तो भाई देख लेते हैं जोक्स कैसे होते हैं एंड मजा आता है या नहीं। सो चलो स्टार्ट करते रिएक्शन। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं एंड आपको समय रहना से रिलेटेड रिएक्शन अच्छे लगते हैं, मेरी हंसी अच्छी लगती है, अगर कॉमेडी रिएक्शन देखना चाहते हो तो चैनल जरूर से सब्सक्राइब कर लेना गाइज। हम बहुत ही जल्द 100K की फैमिली होने वाले हैं, सो जल्दी जल्दी सपोर्ट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को एंड साथ में मिलकर देखो यार, एंजॉय करो। स्टार्ट करते हैं रिएक्शन, देख लेते हैं ये वाला वीडियो कैसा होता है समय रहना का, इंडिया गॉट लेटेंट एपिसोड 8। हेलो एंड वेलकम टू इंडिया गॉट लेटेंट। अननेसेसरी रियलिटी शो, कोई भी पॉइंट नहीं, जस्ट लाइक लाइफ। इट्स अ क्रेजी शो, एनीथिंग कैन हैपन, कुड बी द बेस्ट शो, कुड बी द वर्स्ट शो। इट्स अ पॉइंटलेस रियलिटी शो बट इट हैज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट सिस्टम। इंडिया के कोने कोने से लोग इस शो में अपना टैलेंट दिखाने के लिए आएंगे, उनके पास केवल 90 सेकंड होंगे अपना टैलेंट दिखाने के लिए, लेकिन अपना बहुत अच्छे अच्छे टैलेंट आते हैं, लेकिन 10 में से स्कोर देना होगा। टैलेंट दिखाने के बाद हमारे जजेस भी उनको स्कोर देंगे, और अगर जजेस का एवरेज स्कोर वही निकल गया जो पार्टिसिपेंट ने खुद को दिया था परफॉर्म करने से पहले, तो वो पार्टिसिपेंट शो जीत जाएगा और उस दिन के शो के टिकट सेल्स का सारा पैसा उनका हो जाएगा। जी हाँ, इस शो से हमें पता चलेगा कि कौन कितना सेल्फ अवेयर है, और इस शो के यूट्यूब व्यूज से हमें पता चलेगा कि कौन कितना तो बस बेरोजगार नहीं है यार। Let me introduce everybody here. I mean, who doesn't know Poonam ji? Everybody has 4G. Thank you so much for coming, yaar. Thank you for inviting. And aaj bhi. Oh my God! What? I hope you don't mind. No. Let's go. Yeah. अरे यार. You're pretty cool यार. क्या क्या सोच के आया आप लेटेंट में? मतलब you know खुद की actually अगर मरवानी है. उसके लिए तो only fans रखा है आपने. Oh my God. तो thank you so much. जोरदार तालियां फॉर पूनम पांडे यार. And we also have Vidit Gujarati here because all Vidit. The good chess players said no. Vidit. Sagar Bhai is here because Amruta is out of town. Who's Amruta? His sister. Vidit. Bhai, aapne bataya nahi. Bhai, friend, bolo thoda at least. Sister tak bol ke jao. Ki comedy timing badi sahi rehti hai yaar. We also, oh, we have Vic. What the fuck? Bhai, kya kar diya ye? Bhai, idhar bhi moot rahe ho aap. वेलकम टू द शो भाई, यही है शो। ओके, लेट्स स्टार्ट। आर यू रेडी फॉर इंडियाज गॉट लेटेंट? So let's have a round of applause for the first side of the night, Viral Mystery. अब यही है जो भाई। Man vs Wild के Bear Grylls मुंबई आ चुके हैं, तो उनका experience बता रहा हूँ। मैं इस समय मुंबई की local में हूँ और शाम के 8 बज चुके हैं। आपको शायद अंदाजा भी नहीं है कि किस हालत में हूँ। अगर मुझे अपने घर जाना है तो मुझे किसी भी हालत में अगली ट्रेन पकड़नी होगी। हालांकि आप इस तरह के अनजान शहर में फंस जाएं तो अपने दोस्तों की मदद जरूर लें, क्योंकि वो ही है जो आपको ट्रेन में चढ़ा सकते हैं, वरना आपकी जान को खतरा हो सकता है। आपकी जान 10 मिनट में चली जाएगी, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ ट्रेन 10 मिनट लेट होगी। काफी भीड़ है, कोई मुझे धक्का मार रहा है। एक्सक्यूज मी, ये आपका कोई सामान तो नहीं लग रहा, ये कुछ और ही है। अगर आपने सावधानी नहीं बरती तो कोई आपकी मार के चला जाएगा।
तो चलो गाइस हम समय के कॉलेज में जाते हैं। आज हम आए हैं पुणे के पीवीजी कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई की है। यहाँ की काफ़ी प्रोफेशनल कोर्सेज अवेलेबल हैं, फिर भी कुछ चुनिंदा एम्प्लॉयज़ ने प्रिंटिंग इंजीनियरिंग की है। समय सही कहा ना? जीवन में कई बार हमारे गलत फैसले ही हमें कुछ ऊंची बुलंदियों पर ले जाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आईटी का सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल एक प्रिंटिंग इंजीनियरिंग को अपना जज मान लेगा। नेक्स्ट एपिसोड साउथ अफ्रीका का वाइल्ड वेरी इंटेलेक्चुअल यार की घूमी घूमी नेशनल पार्क में ये प्रजनन का समय है। हाल ही में हुई तेज बारिश ने इन मैदानों में जीवन भर दिया है। ऐसे में ये नर जिराफ जानता है कि ऐसे में ये नर जिराफ जानता है कि साथी मिलने का ये सबसे अच्छा समय है। एक जवान मादा पर उसकी नजर है, लेकिन ये जानने के लिए कि वो प्रजनन करना चाहती है कि नहीं, उसे मादा की अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके लिए नर मादा की पीठ पर अपना सर रगड़ता है। ये जिद्दी नर तो इसके पीछे ही पड़ गया है, जबकि मादा चाहती है कि वो और स्फूर्तिला और आकर्षक नर चाहती है। ये जिराफों का नियम है, इनमें ऊंचाइयों की काफी अहमियत होती है। ये लो, एक और छेल छबीला नर मादा की ओर आकर्षित हो रहा है। अब इन दोनों में एक घमासान युद्ध होगा। ओ भाई। और जो ये बाजी जीतेगा मादा उसी के साथ प्रजनन करेगा। अरे यार, इसके एक भी एपिसोड छोड़ने लायक नहीं होते यार, मतलब सारे के सारे। मेरे को क्यों तोड़ा? एक बार जोरदार तालियां यार। ओह माय गॉड, मजा आ गया भाई। सच में मुझे नहीं आया ये, सच में आपने मुझे नहीं है। तो वीरल मिस्त्री भाई, वीरल है आपका? हाँ वीरल, वीरल कहाँ रहते हैं आप? मीरा रोड में। अच्छा, वहां से बहुत कलाकार आ रहे हैं आजकल भाई। मीरा रोड में हो क्या रहा है भाई? बस लेटन चल रहा है अब सब जगह। तो ये आपने कहाँ सीखा है? आप बहुत बेयर ग्रिल्स को देखते हैं? हाँ, मतलब ये सीखा नहीं है, मतलब ये बचपन से टीवी देख देख के ये ऐसा आ गया है ये इसमें। डू यू डू दिस प्रोफेशनली एनीवेयर? अरे भाई, फर्स्ट टाइम स्टेज पे आ रहा हूँ, हाथ नहीं हिल रहे मेरे भाई। कांप रहे हाथ, कांप रहे। दैट्स व्हाट आई कुड सी, है ना। मैंने अपना कंफर्ट जोन निकालने के लिए मैं आया हूँ, बाकी मैं तो मुझे पता ही नहीं था ये सब होता है। तो आपने प्लेटफॉर्म शुरू किया है तो बोला आ जाते हैं एक बार, देखते हैं क्या होता है। 5 एपिसोड देखे। अरे कौन यहाँ? एक हाइना भी है, यहाँ एक हाइना भी है। ये लैब्राडोर प्रजाति का लग रहा है, लगता है इसका प्रजनन का समय आ गया है। प्रजनन प्रजनन प्रजनन, अभी कल गलती से यही बोलेगा, प्रजनन अंधा का गेम है। कल तो चेस में सीना खराब हो गया भाई। अरे बाप रे, टू हैव अ फॉरेनर वाइफ एंड 2 किड्स इज वन ऑफ हिज गोल। नहीं बस ऐसे एक सपना है, अभी एक ही बार जीवन मिलता है उसमें फॉरेनर वाइफ तो चाहिए ना। मतलब क्यों क्यों इंडियन में क्या इंडियन मिलती कहाँ है, भाव कहाँ देती है इंडियन, इसलिए वैसे इंडियंस नहीं। इंडियन लड़कियां बहुत भाव देती है, बड़ी अच्छी होती है। ठीक है, कल से ट्राई करूं। इवन यू वांट टू फॉरेनर वाइफ? मैं तो इंडियन, मेरे से कोई पाप नहीं। आप बहुत घूमे हैं दुनिया भर, आप इतने सारे फॉरेनर लड़कियों को मिले हैं, तो क्या लगता है आपको कि व्हाई यू स्टिल वांट इंडियन गर्ल? भाई ये फंस गया यहाँ पे। भाई बहुत मजा आया, वीरल मिस्त्री ने जोर लगाया भाई। थैंक यू, ऑल द बेस्ट भाई। आई होप यू फाइंड व्हाट यू एवर यू नीड।
हम तो स्कोर ही दे सकते हैं. तो ब्रो आई लव व्हाट यू डिड ब्रो. आई एम गोना गिव यू 9. 10. ओ आई थॉट 10. आई गिव यू 9.5. अरे भाई विद मुझे लगता है उन्होंने 10 नहीं दिए होंगे क्योंकि उन्होंने लिखा है डाउट माय सेल्फ ये वो, तो इसलिए मैं 9 दे रहा हूं. ओके सागर शाह भाई मैं तो 10 ही दे रहा हूं. एंड विवेक देसाई मुझे भी आपको मन कर रहा है 10 देने का. 10 10 लेट्स गो. फर्स्ट टाइम था तो क्या लिखूं नंबर. पहचान आपने कुछ ज्यादा ही किल कर दिया. बहुत अच्छे रहे आप यार. एक बार जोरदार तालियां फड़ो. बहुत अच्छा था यार जो भी था बहुत अच्छा था. नेक्स्ट एक्ट मधुरा जोशी. जदो अंबरा बरसे पानी मिट्टी दी खुशबू आई. चल मुड़िए सजना चल मुड़िए बलिया चल मुड़िए उसरा जिथे वसदी खुदाई. ओ जदो अंबरा बरसिया पानी मिट्टी दी खुशबू मधुरा जोशी. यार जोश तो नहीं था आप में इतना. आप थके थके से लग रहे थे. थके थके. I was just very nervous, that's all. आप पकड़ रख सकते हैं गिटार. नो स्ट्रेस. अच्छा भाई पर टैलेंट तो बहुत आ गया. अच्छा लगा. मजा तो आया भाई. हाँ सुन के बहुत सही ऐसा सुर था. So is this what you do full time? No, I mean I'm freelancing now. तो क्या करते हैं आप? Content writing, digital marketing. Oh, for which brand? I mean, different clients, not a specific brand. बड़े serious हैं यार आप. अरे आप आराम से रहिए यार कोई हम ऐसा कुछ नहीं है. आराम से रहिए. यहाँ लिखा तो ऐसे ऐसे चीजें बिली हुई है इसने किया है. I attacked the teacher once. और ऐसी है ये नॉर्मली. साइको तो नहीं हो ना आप. घर जाके अलग ही रंग आ जाएगा आपका. This is an act to lure victims. Victims? Attack. You attack victims? They become a victim after I attack them. How do you attack them? What? ये तो गाड़ वाड़ देती होगी उनको भाई. अरे मिट्टी दी खुशबू मिट्टी दी खुशबू. Very scary you are यार. You once held a baby upside down. क्या? Yeah. क्या था ये? कौन से कहाँ किया था आपने ये? मतलब मेरे चाची का बेटा ही था वो. तो जिसका भी था ये तो करना गलत है ना भाई? I was probably 6 or 7 years old. But still, it's a psychotic thing to do, right? Yes. तो वो बच्चा आज के ज़माने में क्या कर रहा है वो? वो है ना मतलब. है वो. मेहरबानी आपकी. अरे. मैंने ज़िंदा छोड़ दिया उसको. Oh my. कि मिट्टी दी खुशबू. क्या हो गया इसको भाई suddenly? अरे. जी आपको boyfriend है? नहीं पहले था. उल्टा कर दिया. Still curious कौन सा स्कूल है कौन से शहर से आप जहाँ पे ये सब हो रहा है. Name the school so we all know where to not send our kids. I can't defame the school. Defame तो आप खुद को कर रहे हैं. स्कूल को इन्फॉर्म कर रहे हैं आप. स्कूल को इन्फॉर्म कर रहे हैं. गुजरात. गुजराती हो? नहीं नहीं मैं मराठी हूँ. आपने लिखा है तो आप गुजरात में क्या कर रहे थे पढ़ने के लिए? स्कूल गुजरात में किया आपने? हाँ पापा की जॉब वाज इन गुजरात. ओके. पापा हैं मराठी. ओके गुजरात में स्कूल.
पापा को पता है ये सब किया है आपने? हाँ, उनको पता है। क्या बोलते हैं फिर वो हंस देते हैं। हंस देते हैं? मैंने इधर तो लाश गाड़े तो उसके बाजू में गाड़। I am the normal person in my family. Yeah. What? Bye bye. Oh my God. Bite देते जल्दी। आपने बोला आप normal है आपके family में। तो अब बाकी का क्या ऐसा है कि जो आपको लगता है कि आप normal है उनके comparison? Basically he's asking what Maheep ji also asked. मम्मी कैसी है? मम्मी first class. ऐसे थोड़ा नॉर्मल से हटके थोड़ा काफी काफी क्या करते हैं आपके मॉम? शी इज अ क्लासिकल सिंगर, शी इज आल्सो अ म्यूजिक प्रोफेसर। ओह बट दैट्स नॉर्मल, दैट्स नॉर्मल। प्रोफेशन नॉर्मल है लेकिन बिहेवियर नॉर्मल नहीं। मतलब आई एम सो शॉक्ड यार मधुरा जी, आई होप दिस इज ऑल मेड अप। नो नो भाई डर लग रहा है यार। वैसे आपको क्या है, आप तो वापस आ जाएंगी। हम तो नहीं कर पाएंगे भाई कुछ। विदित भाई का तो रेटिंग में ही कम बैक नहीं हो पा रहा है। ये अगर एपिसोड बाहर आता है और लोग देखते हैं तो आप अंदर नहीं जाएंगे फिर? वो होगा असली लॉकअप। पर हाँ अगर ये एपिसोड बाहर आया तो लोग तो आपके असली जान जाएंगे, फिर आपके दोस्त कौन बनेगा? अभी भी नहीं है। ओह सरप्राइज सरप्राइज। How come she doesn't have friends, यार? But ठीक है यार, time to give her an FIR. Time to give Madhura Joshi some marks. Oh bhai. तो मैं मधुरा जी आपको देना चाहूंगा 0.5 नहीं मैं आपको 5 देती हूँ। Friends, friends. इनको डर नहीं लगता? 5 क्यों दिया आपने यार? Because of her singing. Ah. Yeah. I mean, I couldn't hear what I was singing, so I don't know. Maybe it was really bad. Could you hear what you were talking? मैंने दिए 6 for singing. 6. By 10. Oh! Push Rana मेरे से. Smile. I like her. 10 दो. मैं आपको देना चाहता हूँ 6 से 8, और judge भी उतने देने वाले I think. 6-6. अरे बलराज भाई को वापस ला यार कोई। 6 from Desai, that makes your average 5.5. No way. 8.5. Oh my god. So sad yaar, you didn't win. Thank you so much Madhura ji. Up next we have Rajesh Yadav. वाह oh! वाह क्या बात है। अरे बाप रे क्या बात है, क्या बात है भाई। ओनली फैंस पूनम पांडे को देख के शर्ट निकाला। ओ भाई क्या बात है। यो वाओ वाओ नहीं ये सब तो ठीक है, मेरे पे मतलब ओनली फैंस तक क्यों पहुंच गए थे हम? नहीं है क्या आपका? मैं बार बार क्यों भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कहाँ गया भाई? ओए सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे। अरे बाप रे आप वो भी करते हैं जो बिल्डिंगों से कूदना होता है। क्या चुराया था लास्ट आपने? जामुन चुराया था, जामुन नारियल
ये सब मैं तोड़ते रहता हूँ। पेड़ वेड़ भी चढ़ लेते हैं? हाँ। वाव यार, मजा आता है। फिट है यार। राजेश यादव, यू लाइक आर्ट? यस। इसको जानते हैं? इसको कहीं देखा है आप? मैजिक कर दो। अच्छा मैजिक कर दो, बढ़िया भाई। थैंक यू। जामुन तोड़ने वाले परफेक्ट लगते हैं। कहाँ रहते हैं आप, कौन से जंगल में? ये अपना मर आइलैंड का जंगल है। अच्छा वहाँ रहते हैं आप? हाँ। वहाँ से तैर के आए हैं अभी आप? नहीं तैर के नहीं, बोट से आए। अच्छा बोट भी चलाते हैं आप? भाई क्रेजी लोग आते हैं आइलैंड में भाई। खतरनाक। क्यों यार, ये मेरे को भी सीखना है। हार्ड है ना थोड़ा। आप मुझे भी सिखाएंगे? एक चीज तो आती है आपको इसमें से। आपको कौन सी वाली सीखनी है? जंप वाली? अच्छा फ्लिप सीखना है आपको? सीख सकते हो मैम? मैं बोल रहा हूँ अब भी सीख सकते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। कैसे? सागर शाह अमृता झूठ है मारे। मैं खुद के लिए सोच रहा हूँ। सागर तो ये क्या बॉर्डर पार करना सिखा रहे? बॉर्डर पार करना, ये बिल्डिंगों के नीचे से कैसे आते हैं? ये क्रॉल है, क्रॉल, मंकी क्रॉल। मंकी क्रॉल सिखाया? हाँ। आप बोल रहे थे फ्लिप सिखाओगे, मंकी क्रॉल तो मुझे आता है ऑलरेडी। अच्छा ठीक है फिर। ओके ये कर सकते हैं आप? ये कैसे कर सकता हूँ, ये सिखाया ही नहीं। मंकी क्रॉल करा रहे करो। अरे कहाँ जा रहे हो आप? ये आता है। अरे वाह, कर लिया भाई। तो क्या गोल है आपका? मेरा गोल है कि बहुत अच्छा एथलीट बनने के लिए, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी जो मुझे करना है, मेरा ड्रीम है। जैसे ये बिल्डिंग से वो बिल्डिंग जंप करना है, तो ये ड्रीम है आपका? हाँ। ये बिल्डिंग क्या है? उस बिल्डिंग में ऐसा? वो बिल्डिंग में कुछ नहीं है सर। तो फिर क्यों जाना है? ऐसे जंप करना है सर, वो मजा आता है। अब जमीन पे भी कर सकते हैं? लेकिन मजा नहीं आता है, जब आप डर को देखते तो मजा आती है। तो आना था ना पिछले एक्ट में? आना था पिछले एक्ट में? नहीं आया था सर। भाई गांड फट गई थी हमारी, मेरे तो दोनों जामुन निकल गए थे। एक बार जोरदार तरह राजेश यादव के टाइम टू स्कोर यू मेरे भाई। आई हैव रियली लव्ड यू, आई हैव गिवन यू अ 10/10 मेरे भाई। आई हैव गिवन यू 8.5 मेरे भाई। 9 भाई 10 यार, मेरे को तो उन्होंने एक मिनट के अंदर फिल्म सिखा दिया। 9 फ्रॉम विवेक देसाई, दैट मेक्स योर एवरेज 9.5। आप लोगों को अच्छा लगा? बहुत अच्छी बात है, बहुत मजा आया। बढ़िया बढ़िया, लेकिन जिताते तो और मजा आता। क्या बात है राज भाई, विश यू हैड वन भाई, but it's okay, you are still a winner. Thank you so much for coming Raj bhai. Up next we have Leo Baba doing some rap for us. Leo Baba ji ke liye zordaar taaliyan. Leo Baba, oh hello hello, hi, my name is Ambar Sharma, my stage name is Leo Baba, so let me start. नाम अंबर शर्मा लियो बाबा, स्टेज नेम मेरा, 16 साल की उम्र से रैप करता थोड़ा टेढ़, रैप क्या करेगा ये आया लड़का कल का, फोड़ डाला सबको मैंने जिन्होंने समझा मुझको हल्का, नाकामयाबी थी मेरे सामने, दिया तब सहारा मुझे बोतल और जाम ने, घूमा गली गली भीख मांगी मुझे काम दे, क्योंकि जब पढ़ना था तो कर रहा था आराम में, रिश्तेदार के बेड़ेगी तो नौकरी भी लग गई, फोन करते अब इसकी शादी करा दो, लड़की पैसे वाली समझो लॉटरी लग गई, बादल
लगी दिल पे दिमाग हुआ ठीक पैशन किया फॉलो नाउ आई एम ऑन पीक घर 4 BHK और गाड़ी मेरी जीप अब बोले सारे शर्मा जी के लड़के से कुछ सीख हसीक सीख सीख मेरी कहानी से कुछ सीख हचीक चीक चीक बेबी नाम मेरा चीक हसीक सीख सीख मेरी कहानी से कुछ सीख कमाई मैंने जनता ना मांगी कभी भीख 12 साल जिंदगी आ गई मेरी भाड़ में असली नॉलेज मिली 12वीं के बाद में टॉप करके 12 साल खुद को समझे पार में आज मैं फेमस घूमूं से महंगी कार में ना चलते यहाँ पे मार्क्स ना चलती बातें छोटी ना चलता सिर्फ वो जो रखी गड्डी मोटी बर्गर पिज्जा खाने वालों की होती इज्जत समझते गरीब जो खाते सब्जी रोटी चलते चलते जब मेरे गाने चलने लगे अकेला था जिस भीड़ में दोस्त बढ़ने लगे कमियां जो निकालते थे लोग मेरे गानों में अब वही नाच रहे मेरे इन तरानों में कमाई मैंने जनता ना मांगी कभी भीख मेरी 4 महीने भारी इनका पूरा गाना वीक पैशन ही दिलाएगा तुम्हें एक दिन जीत क्या बात है भाई अमर शर्मा लेट्स गो मुझे तो उतना कुछ खास नहीं लगा सो स्वीट भाई अमर शर्मा जी इट वाज अ नाइस रैप रियली सो इट वाज सम ऐसे मोटिवेशनल स्टोरी थी जिसमें कोई मोटिवेशन था ही नहीं तो ये मेरा ही एक लाइक खुद की स्टोरी है कि मैंने रैप करना तब स्टार्ट किया था जब लोग मेरे को ऐसा पैर पे बहुत बोलते थे क्या हुआ है आपके पैर को इफ यू डोंट माइंड मेरा नी नहीं है आपका नी नहीं है नहीं का क्या मतलब बाय बर्थ ही नहीं है बाय बर्थ ही नहीं है आप नहीं कुछ भी नहीं ऐसे पूरा बस पैर है आप हां वही तो हमने तो कभी नहीं देखा भाई मुझे दिखाएंगे आप बाद में क्या है अंदर हाँ शो शो भाई क्या होगा उसमें यार यहाँ तो लिखा है आप फुटबॉल खेलते हैं हाँ जी हाँ जी गोल कीपिंग करते हो मोस्टली नहीं 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 आई एम अ सेंटर फॉरवर्ड सेंटर फॉरवर्ड तो आप मतलब कैसे खेलते हैं आप फुटबॉल बस लाइक मैंने कभी ऐसा मेरे पैर ने किसी चीज़ के लिए रोका नहीं इट्स लाइक मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ बैडमिंटन साइकिलिंग स्विमिंग एवरीथिंग वाओ चेस का भी एक सीन है लाइक आई कैन रिलेट टू चेस अलॉट घोड़ा ढाई चलता हूँ डेढ़ चलता हूँ क्या बात है भाई आपको बैठना है नहीं 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 आई एम गुड मैं पहली बार देखा ऐसा कुछ यार तो आप लात मार पाते हैं इससे हाँ जी हाँ जी एक मारेंगे ऐसे ही ओ भाई तो गुड़ा लाइफ में बस पैर मुड़ता नहीं है आपका पैर मुड़ता नहीं है बस हाँ और कुछ नहीं है तो क्या बोलते हैं इस चीज को मैं भी भूल गया स्पाइनल बायफीडिया अच्छा विचित्र यहाँ पे आपने लिखा जुगाड़ में एक्सपर्ट क्या जुगाड़ जुगाड़ मारी उसने अभी बिना घुटने के लात मारी और क्या जुगाड़ करेगा भाई वो क्रेजी आदमी आ गया भाई ये तो आपने लिखा आई कैन फ्लर्ट विथ माय रैप लाइक आप फ्लर्ट कर सकते हो रैप करके पूनम जी का पूनम जी से पूछ लो पहले उससे पूछ रहे हो आगे यू नो एक्चुअली आई वाज गोइंग टू आस्क हिम दैट बट देन मैं रुक गई बिकॉज़ यहां से कुछ आएगा तो मेरे डर के मारे नहीं 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 ये मेरे से मत डर यार पूनम जी आई एम अ बिग फैन तो ओनली इफ यू डोंट माइंड इफ कैन ही फ्लर्ट विद यू गो अहेड मेरे भाई तो लेट मी ट्राई एक शायरी सा बोल देता हूँ क्या बात है कि इरशाद इरशाद के ख्यालों में है तू और दिल ख्यालों में नहीं सॉरी सॉरी ब्राउज़र हिस्ट्री में है तू ब्राउज़र हिस्ट्री में है तू ओके तेरी यादों में मैं कहीं खो गया एक पैर पे सो गया एक पैर पे सो गया अच्छा तो प्रेजेंस ऑफ माइंड समय का चलो इट्स अ गुड आइडिया ओके लेट्स गो तेरे बारे में मैं सोच कर तो हर बार शायरी शुरू कर अलग ही में चला जाता है अभी आपसे आइडिया लिया ना सो गया वाला अच्छा जाओ तो इसलिए ओके तो यादों में क्या बोल रहा था मैं अभी आज कंप्लीट नहीं हो गया तेरे बारे सोचते सोचते मैं सो गया वाह
तेरे बारे सोचते सोचते मैं खो गया, सपनों में आई थी तुम और आंखों में मैं खो गया, और जब मैं उठा ना नींद से ऐसा लगा मर गया था दोबारा जिंदा हो गया। लिखा है लव स्टैंड अप शोज, तो आपका फेवरेट स्टैंड अप कॉमेडियन समय भाई बस्सी को जानते होंगे। समय भाई बस्सी को जानते होंगे। बहुत सही, जो ऐसे आके जो मोड़ा है इसने, काश आपको पैर भी कर पाता। वाह समय समय मेरा तो भाई फेवरेट समय ही है। और हैव यू सीन एनी ऑफ आवर वर्क? या समय भाई पूनम पांडे चला के प्रो, तो वो एक सेकंड क्या देखा है मेरे बारे में बता दो। लॉकअप। अच्छा लॉकअप, मुझे लगा कि वही रात में मैं देखते देखते सो गया, सुबह तक डेटा पैक खत्म हो गया। तो एक बार जोरदार ताली अंबर शर्मा के लिए यार। थैंक यू सो मच। तो इट्स टाइम टू स्कोर अंबर शर्मा भाई, आई हैव गिवन यू 9.5। I've given you 8. I really liked him, so I'm giving him 9. जो आपका attitude है ना, it's too good. 10. Thank you. Amazing. I've also given 9.5. Too funny. Both Thank everything you so much. And good rap also. Awesome. Thank you so much. So that makes your average 9. अरे ये भी नहीं जीता, आधा रह जाता है आपका हमेशा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अमर शर्मा भाई। क्या बंदा था यार। ऑलराइट, अब नेक्स्ट वी हैव सम पोएट्री एंड जोक्स। एक बार जोरदार तालियां फॉर रक्षा तोमर। ऑलराइट गाइस, तो पहले मैं आपको पोएट्री सुनाती हूँ, मैंने क्रश पे लिखी है, सब लोग बहुत रिलेट कर सकते हैं इससे आई गेस, क्योंकि सबके लाइफ में प्यार होना हो क्रश तो सबको ही किसी ना किसी पे आता है। तो मैंने लिखा था कि हाँ तुम्हारे ही मैसेज का वेट कर रही हूँ, बार बार कुछ टाइप करके डिलीट कर रही हूँ, तुम्हें देखने का मौका ढूंढती हूँ, तुमसे बात करने से पहले दिमाग में 100 बार रिकरेक्ट करती हूँ, और हाँ जैसे ही कुछ बोलती हूँ एरर ही निकलता है, पर तुम्हारे कॉम्प्लीमेंट से मेरा चेहरा ज़रूर निखरता है, तुम्हारा नाम लेते ही बटरफ्लाइज फील होती है, तुम्हारे सामने हो तो मेरी कॉमन सेंस होती है, तुमसे बातें करूं या तुम्हारी बातें करूं मेरे लिए दोनों ही सुकून है, एक बात तो पक्की है मेरी फीलिंग्स में बहुत जुनून है। हमेशा से मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना था मगर कभी कह नहीं पाई, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना था, तुम्हारे नाम से भी हंसती हूँ लेकिन तुम्हारे साथ हंसना था, मुझे वो लिटिल थिंग्स मेक यू हैप्पी एक्सपीरियंस करना था। हाँ हमेशा से मुझे तुम्हें बहुत कुछ बोलना था लेकिन कभी बोल नहीं पाई। डियर क्रश, मुझे तुमसे बहुत कुछ बोलना था, वो ये था कि तुम मेरे लिए आई लाइक यू ओवर एनी थिंग बन गए थे, लेकिन मैंने जब तक तुम्हें समझा तुम चले गए थे। तो ये था क्रश पे, पर मैंने समय पे कुछ जोक्स लिखे क्योंकि समय पे जो एट द एंड मेरा मेन एजेंडा था कि मैं समय से मिलूँ, और मैंने लाइफ में पहली बार ये जोक्स लिखे, लाइफ में मैंने कभी कुछ नहीं लिखा है जोक स्टैंड अप कुछ भी। सही बात। तो गेस व्हाट, अगर समय डेटिंग ऐप पे होता, बम्बल पे होता, तो वो अपने बायो में क्या लिखता? वो ये लिखता कि आई एम नॉट एन एनवायरमेंटलिस्ट बट आई बिलीव इन गो ग्रीन, बाय डे आई एम अ स्टैंड अप कॉमिक एंड बाय नाइट आई एम एन एस्ट्रोनॉट। और उस वो अपने इंटरेस्ट में क्या लिखता? मेरे हिसाब से ऑब्वियसली वो लिखता बोलिंग एंड फिंगरिंग। बोलिंग एंड फिंगरिंग, कैन यू एक्सप्लेन दैट अ बिट? व्हाई वुड आई राइट दैट? व्हाई वुड आई? आई थिंक यू लाइक प्लेइंग विद योर फिंगर्स एंड होल्स। व्हाट? आई व्हाट? हमारा मैच हुआ था क्या? ग्लास ऑफ वाइन लेटर डूइंग 69।
भाई क्या रेपुटेशन है आपकी भाई. सागर इज लविंग दिस सो मच. Look at that face. He's going to come. Suddenly, it's like we have opened Poonam Pandey's DMs. नहीं यार मेरे भी DMs में ऐसी चीजें नहीं आती. नहीं यार. भाई लेटन गिरी है. लेटन गिरी है. Because summer is not falling for me, इसलिए उसका board गिर गया. क्या बात है. आपका score भी. आपका score भी गिर गया. Okay. Okay. Last but not least. No pen, no paper, but you draw my attention. तो मैंने चार लाइन लिखी आपके लिए कि हाथ मिलाएंगे बस कयामत ना करना, हाथ मिलाएंगे बस कयामत ना करना, जब हौले से मिलकर गले मिले तो बगावत ना करना, हम तो इश्क करना चाहते हैं आपसे, आप खाम खा शराफत की वकालत ना करना. क्या तो रक्षा जी एक बार जोरदार ताली हमारे साथ रक्षा जी के लिए. तो रक्षा जी आपने पहले जो पोएम लिखी थी अपने क्रश पे वो भी मैं ही तो नहीं था. नहीं नहीं आपको देख के नहीं लिख सकती. अच्छा वो तो देख लिया. पर वो पोएम किसके लिए लिखी थी आपने? सो बेसिकली मैं एक ऐसी राइटर हूँ जो सिर्फ मैं बस लिख देती हूँ. जरूरी नहीं है कि दैट थिंग इज रिलेटेड टू मी. सो मेरे लाइफ में आई हैव नेवर एवर डेटेड एनीवन. आई हैव नेवर बीन इन अ मेल इंटरेक्शन लाइक इन एन इंटीमेट और इन अ सिचुएशनशिप काइंड ऑफ सीन. सो बस मैंने एक इमेजिन करके लिखा है. अब वो क्या बम्बल पे आपकी शादी हो रखी है आपके लिए पूछ रहा हूं कि सब सिर्फ बनाया मोस्टली तो मेरे को सब मेरे से हाइट से कम मिलते हैं. आई एम आई एम दैट पर्सन. मेरे को चाहिए कि मैं हील्स पहनूं तो भी बंदा मेरे से लंबा हो. नहीं हाँ हमारे पास है बहुत लंबे. विवेक एक बार जाइयो. एक बार जाना भाई. पता है जोक्स या शायरी सिर्फ समय के लिए इसलिए लिखी बिकॉज आप में से किसी के बारे में मुझे पता ही नहीं था. कैंसिल. ओह शिट. शिट. हील्स पहनूंगी ना आज. हील्स नहीं पहने बूट्स पहने. शह. ओप्स. नॉर्मली आई गेट समय लेफ्ट ओवर्स. बट आई एम नॉट हिज लेफ्ट ओवर. आई गेट इसलिए यू गॉट कैंसिल. दैट्स डिसगस्टिंग मैन. नो बट आई एम नॉट योर लेफ्ट ओवर इसलिए वो कैंसिल हो गया. नो नो आई रिजेक्ट यू. नहीं वेरी स्वीट ऑफ यू आर रक्षा जी. थैंक यू. मजा आया भाई. आप मार्शल आर्ट भी करते हैं? हाँ जी मैं नेशनल लेवल मार्शल आर्टिस्ट हूँ. और मोलेस्ट भी करते हैं आप? आप तो एकदम ही डेंजरस कॉम्बिनेशन है भाई ये. बंदे को जलील भी मैं करूंगी और बचाऊंगी भी मैं. यू आर अ क्रेजी पार्टी एनिमल आल्सो रक्षा. हाँ बहुत. मैं लाइक वीक में 7 days रहते हैं. यू कैन फाइंड मी 7 days पार्टिंग. जब क्लब बंद रहते हैं 3 दिन ड्राई डे रहता है तो मैं हाउस पार्टीज करती हूँ और बाकी के दिन मैं क्लब. आप हाउस पार्टीज करते हो काफी? काफी. जिस दिन क्लब्स बंद रहते हैं ऑफ कोर्स. और पब्लिक आता है बहुत? पब्लिक का नहीं पता. मैं तो जाती हूँ. लोग आते हैं आपके घर पे हाउस पार्टी? मैं लोगों के घर पे जाती हूँ. मैं अपने घर पे नहीं बुलाती. तो जब उनको घर खाली करना रहता है वो आपसे पोएट्री करवाते हैं या कॉमेडी? नहीं पता. आपको रिजेक्शन ज्यादा ऑफेंड हो गया आई गेस. मैं बहुत रिजेक्ट हुआ टेंशन मत लो. मैं ड्रू हिक्स का रिजेक्शन नहीं मूवी दरअसल. अच्छा अगर आपको मैं यस बोलूंगी तो डिक्शनरी खोलना पड़ेगा मतलब क्या होता है देखने के लिए. पहले आप स्टैंड अप और पोएट्री का मतलब देख लो. अबे तुम लड़ो बाद में. चली लड़ रहा है बैठ के. लड़ रहा है. मार 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 मार. रक्षा जी आपको जेन्युइनली मेरे में ऐसा क्या पसंद है? ऐसा क्या है मुझ में? हाइट है भाई. हाइट कुछ देखो जेन्युइनली मैं बताऊं 4 साल से आपको देखती हूँ मैं स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए. आई एम योर फैन ब्रो. अच्छा सॉरी 1 सेकंड समय तू भी एक हाइट कम कर. मैं करवा दिया तो खड़ा हो जा और स्टैंड अप आल्सो. कौन सी क्लास में है तुम? By the way, nice costume and shoes are looking amazing. I am so glad I've worn the perfect shirt for this. Oh. No sex. By par only kisses भी लिखा. Only kisses.
myself only. भाई मजा आया भाई, किसी को फ्रेंड जोन में डाल गया आज. पर उन्होंने लिखा है मुझे हर दूसरा इंसान मिलना चाहता है, पर आप सिंगल हो अभी भी. ओके, सो आई एम दैट पर्सनालिटी जो बहुत अच्छी कम्युनिकेशन करती है, कि हर इंसान को ऐसा लगता है कि इस बंदी से तो मिलना ही चाहिए. इस बंदी से अगर नहीं मिला तो इट्स लाइक कि दूसरी सेम बंदी नहीं मिलेगी, बिकॉज आई थिंक आई एम दी ओनली वन. तो हर किसी को ऐसा लगता है कि इस बंदी से मिलो, बट आई गोस्ट पीपल क्योंकि मुझे नए लोगों से मिलना पसंद है. वो मिलना चाहते हैं पर आप नहीं मिलना. हाँ, बिकॉज मुझे नए लोगों से पसंद मिलना पसंद है. यू नो लाइक यादें सब कैमरेज में कैप्चर करते हैं, तो यादें कैमरों में ही कैप्चर अच्छी लगती है. हमें उन यादों में कैप्चर होना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज हमें नई यादें बनाना पसंद है. ये आपके पोएट्री की तरह था, कुछ समझा ही नहीं मुझे. मुझे नहीं समझ नहीं आया भाई, क्या बकवास कर रही है यार. पूकी जैसा फेस बना के जो रोस्ट फेंक रहे हो मुझ पे, क्यों ऐसा? नहीं, जस्ट फैक्ट्स बोल रहा था. पार्टी इवनिंग्स में करते हो तो डे में लाइक यू वर्क? अच्छा, मतलब बेसिकली बेरोजगार हुआ नहीं हूं. डू यू वर्क सम? शी डज ईव टीजिंग. ओ भाई, पूनम जी, हमारे यूथ को अगर आप सही रास्ता दिखाएंगे. बहन सही रास्ता यहाँ से आप सीधा जाएंगे. यूथ को सही रास्ता पूनम जी दिखाएंगे. यहाँ पे लिखा है यू आर स्कैर्ड ऑफ स्ट्रीट एनिमल्स. नंबर समय बहुत ज्यादा. आई वांट यू टू नो दे आर प्रोबब्ली मोर स्कैर्ड ऑफ यू. Yeah. अभी शकल इतनी बुरी भी नहीं कि मैं बोलूं शकल पे लेके कि शायद मुझसे डर सकते हैं. तुम दोनों एक हगने वाला कंपटीशन कर रहे हो. मैं हगूंगा, मैं ऐसे कैसे मैं हगूंगी. शराब वराब पीते हैं? बिल्कुल नहीं. पार्टी में करते? सो बेसिकली पार्टी में, क्लबिंग में तो बेसिकली सब डांस ही कर रहे होते, वाइब कर रहे होते. और बहुत तीन चार डांसर्स आ जाते, दे आर लाइक कोई कोई वनाबी डांसर्स होते हैं, कोई जेन्युइन डांसर्स होते हैं, किसी को बस हलना है क्योंकि वो भंडो के आ गए. तो मैं वनाबी डांसर्स में से एक हूं जो डांसर्स के साथ नाचती है कंसोल पे. मुझे बहुत पसंद है वो चीजें. ओके, आपको देखना है टैलेंट डांस, देखना है आपको. कुछ अच्छा बजाओगे तो आई डोंट माइंड. ओह, यू विल आल्सो डांस? या, आई मीन उन्होंने लिखा म्यूजिक ड्रॉज मी हाई and I'm a crazy party animal. तो फिर तो अगर कुछ नॉन कॉपीराइट बजा सकते हैं हम. नॉन कॉपीराइट के नाम पे वो डांसर्स वाली बीट मत बजाना कि मेरे को कंटेंपरेरी करना पड़े जो मेरे को आता नहीं है. तो आपको आता तो अभी तक मैंने देखा है कुछ भी नहीं है. मार्शल आर्ट्स ही अगर आप दिखा देंगे डांस. अच्छा, आ जाओ सामने, मैं दिखाती हूँ. आपसे मिलना है, मुझे छूना है ना भाई. छूना पड़े मुझे भाई यार. बड़ा अजीब सा लग रहा है भाई. It's very impressive to make someone uncomfortable on stage. That is talent. Man, ठीक है भाई, आ जाओ फिर. कहीं ऐसा छूना कि YouTube पे डाल पाए हम. जरूर. मेरा ओनली फैन नहीं है भाई. कहाँ छुएंगे आप? कुछ नहीं छुएंगे. बेसिकली मैं मार्शल आर्ट्स आता है कि नहीं आता है, इसलिए किक मार के दिखाऊंगी आपके आपके ऊपर. अच्छा, से किक मारेंगे आप? आपके ऊपर से. भरोसा करो भाई. विवेक जाना पड़ेगा आपको. विवेक पे ट्राई नहीं कर सकते आप? आपने अप्रोच किया ना? मैंने कहा अप्रोच किया? अप्रोच आपने किया. पांच लोगों में से कौन उठ के आया? मार्शल आर्ट आता है, दिखाओ कितना आता है. ये तो डांस करा रहे थे आपसे. ठीक है, आप कुछ नो बोल पाते हैं अभी लाइफ में किसी बात पे? मतलब नहीं पता, मैं डिक्शनरी में नहीं है. एक बार इसको प्रपोज करना. नो मैं मे भी बोलूंगी. मे भी का मतलब भी नो होता है आजकल, कंसेंट का सीख पता है. कुछ किया ही नहीं यार. लात मारो जल्दी से. कुछ बैठो, लात मारो जल्दी से. ओके, लात तो पढ़ने वाली है उसको. लात तो पढ़ने वाली है. दिखा नहीं एक और बार जरा. अबे सारे नहीं, डॉज के डॉज के हमको दिखा नहीं ठीक से, ए अच्छा एंगल से. ओ भाई, मैं नहीं देख पाऊंगा ये. दैट वाज गुड, द लास्ट वन वाज गुड. गुड वन, गुड वन. थैंक यू सो मच यार, दैट वाज रियली गुड. दबा दिया आपने मेरा हाथ यार, क्रेजी.
बुरे अरे बाप रे पूनम पांडे डू यू फील नॉस्टैल्जिक पूनम पांडे का तो मुंडी नीचे गड़ा हुआ है भाई अगर आप जीत गए आज हाँ जी तो मैं अपने सारे कपड़े निकाल के फोटो डाल दूंगा एक Yes. क्योंकि ये लक का गेम है टैलेंट का नहीं है ओ फक भाई जीत ना जाए भाई नहीं नहीं मैं भी फिर पूनम पांडे की तरह मुखर जाऊंगा रात में मैं नहीं डाल रहा आपको पता है ये बात इतना एक बार किया था अगर इंडिया जीत गई क्रिकेट में कहती अगर इंडिया जीत गई क्रिकेट में तो आई विल अपलोड अ फोटो ऑफ माइन पाकिस्तान ने जान बुझ के हारा था वो मैच अरे बाप रे माय ट्विटर वाज हैक्ड माय ट्विटर वाज हैक्ड योर पेरेंट्स एग्जिस्ट ऑब्वियसली सो इफ दे सी ऑब्वियसली तो हाउ विल दे फील मैं बोल दूंगी फिक्शनल था सब्सक्रिप्टेड था ओ पर हम ये भी तो डालेंगे ये क्या ये जो अभी आपने बोला तो मैं बोल दूंगी ये भी स्क्रिप्ट का पार्ट था भरोसा मत करो समय है वो और समय का शो है बड़े गलेबल पेरेंट्स अंकल आंटी अगर आप देख रहे हैं हेल्प मी थैंक यू सो मच एक बार रक्षा तोमर के लिए दाद यहां भाई इसने तो समय की लगा दी बाप रे तो शी हैज बीन अ ग्रेट स्पोर्ट या शी हैज एक बार मिलना फिर आप जाके उनसे मैंने आपको दिए हैं मैं पूनम पांडे का वेट करता हूँ आई विल गिव यू 6 ओ माई गॉड क्या चल रहा है ये क्या था फॉर दिस आई एम गिविंग यू एन 8 ओके आई एम गिविंग 5 ओके I'm giving 7. You're a good sport. Oh, thank you. अभी भी try कर रहा है। तो आपका average होता है 6. Okay. 6. Oh, I have given myself 6.5. Oh, bye. पर पता है आपको वो एक बंदा था जिसने मेरा audition लिया था. He is like 6 दे समय देखो average 6 ही देगा. मैंने बोला चल 0.5 दे देती हूँ. मैं जितनी बकचोदी करूँगी. But 6 नहीं आया. Oh my god, that was so close, man. नंगी फोड़ डालनी पड़ती भाई मुझे. तो आज मेरे स्कोर ने नहीं उस बंदे के सजेशन ने आपकी जिंदगी बचाई है. ठीक है यार रक्षा जी थैंक यू सो मच मैन. ध्यान से गिर और नहीं गिर सकते आप. Up next, we have Praveen Bhairwa. जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था उसने तो अब क्यों पीछे हट रही है अजीत जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था उसने तो अब क्यों पीछे हट रही है और कहती थी कि तेरे लिए तो मैं जमाने से लड़ लूंगी और अब घर वालों के सामने फट रही है न जाने हमारे बीच कितने झगड़े हुए थे टूट चुके हैं वो जो टूटवादे हुए थे टूटवादे न जाने हमारे बीच कितने झगड़े हुए थे टूट चुके हैं वो जो टूटवादे हुए थे और जब देना ही नहीं था उसे साथ मेरा तो करवा चौथ पर उसने मेरे पैर क्यों छुए थे भाई सेंटी मैं अपनी अकड़ में जकड़ गया ऐसा लग रहा दारू पी के आया मैं अकड़ में जकड़ गया मैं अपनी अकड़ में जकड़ गया मैं अपनी जिद पे अड़ गया वो जिद आखिर मुझे तब छोड़नी पड़ी जब उसका बाप मेरे पीछे लट लेके पड़ गया अकड़ में जकड़ गया अरे बाप रे उसके सारे गुनाह अपने सिर में इस बार ले लिए बाद में समझ आया कि मैंने बेकार ले लिए मुझे लगा था कि वो फिर से रवाना होने को है सही वक्त पर मैंने उससे 500 रुपए उधार ले लिए सही है क्या बात है अरे बाप सब खड़े हो
सही वक्त पे मैंने उसे 500 रुपए उधार ले लिए. क्रेजी क्या दर्द था यार. जो फील ही नहीं हो रहा है भाई. वही जो सबके साथ होता है. क्या होता है? क्या ब्रेकअप? ब्रेकअप. तो आपने ऐसे भी लगा कोई लड़की ने आपके पैर छुए थे? हाँ थी पुरानी बात है. I'm sorry but it sounds like निब्बा निब्बी वाला. Same. मेरे भाई. भाई मेरे को ऐसे लगा कि मतलब फुल दिल से आपने गाया है. मतलब ये तो गाया है. हाँ मतलब पूरा आपका दर्द था इसमें. तो वो जो लड़की आपको जो मिली थी वो मतलब आपको छोड़ के क्यों गई? उसका रीजन था आज तक किसी को नहीं पता चला. आपको पता ही नहीं चला? किसी को नहीं है. क्या चल बसी क्या वो? नहीं मेरे को ही थोड़ी छोड़ के गई है. सबको छोड़ के जाती है एक्चुअली. सबको छोड़ के चली गई वो. बेसिकली उसने सबको छोड़ के गई है. तो बेसिकली उसने 500 सबसे लिए. नहीं मैंने लिए थे. वो दूसरी वीडियो है. वो दूसरी वीडियो. पूनम जी इज लिटिल कंफ्यूज्ड. आपका इंस्टाग्राम आईडी बॉस R15. बॉस R15 मेरा स्टेज नेम है. अच्छा स्टेज नेम है बॉस R15. जी R15 वही है बॉस R15. डॉट एम्पायर यार पूरा तो सुनो. तो आपके पास R15 है? नहीं भाई ये क्या आदमी है भाई ये तो. तो कौन सी बाइक है आपके पास? स्प्लेंडर है. स्प्लेंडर है. बॉस R15 क्यों रखा है आपने नाम अपना? मैं बाद में बताऊंगा फिर कभी. बाद में बताऊंगा. दोस्त बन जाएंगे. मेरा नाम तो आगे आएगा ना घर में. आगे बढ़ूंगा इंडस्ट्री में. अच्छा बाद में फिर कभी पॉडकास्ट में. अरे बाप रे आ गया भाई इंडस्ट्री में छा गया है. अरे बाप रे. आपने लिखा है ब्रेकअप से पहले गर्लफ्रेंड से 500 लिए थे. हाँ वो मैंने बताया था ना शायरी में. हाँ वो मैंने उधार लिए थे एक्चुअली. क्या किए था उस 500 का? मोबाइल खराब हो गया था मेरा. फिर मोबाइल ठीक करवाने के लिए लिए थे. और फिर ब्रेकअप हो गया. ब्रेकअप हो गया. अब मैंने कर लिया ब्रेकअप. ब्रेकअप क्यों किया आपने? नहीं उसका वो किसी और से चक्कर चढ़ने लग गया था. वो मेरे को तब पता चला. ओह शिट. इसलिए फिर. कैसे पता चला आपको? 15 बार किया है मैंने उससे ब्रेकअप. एक से ही. भाई चीट आपने तो नहीं किया था? नहीं नहीं मैं बताता हूँ ना पूरी बात. जब उसने एक बार किया ना फिर मैंने करना चालू कर दिया था. भाई अरे अब भाई यार क्या. If she's cheating, I'm doing it worse. तो आपने चीट किया उनने चीट किया फिर आपने चीट किया उनने चीट किया. हाँ तो ये टॉक्सिसिटी चली बहुत टाइम. वो फिर वापिस पैचअप हो जाता था. मैं फिर लॉयल हो जाता था उसके लिए. लॉयल कैसे हो जाते थे आप? वो फिर करती थी मैं भी कर लेता था फिर. ये क्या है यार ये. उन्होंने लिखा इंस्पायर्ड बाय विराट कोहली. भाई विराट कोहली के तो मतलब नहीं मैं विराट कोहली से इसने भी सारे बाउंड्रीज पार कर दी. पर ठीक है बस जोर से प्रवीण भाई के लिए यार. लगता है यही जीतेंगे. टाइम टू स्कोर प्रवीण भाई. आई लव दिस गाय ब्रो. I have given you a nine as well. Nine as well. That's 18. That's almost 10. I have also given him nine. Kya baat hai? Dekho, mereko poetry ka samajhta nahi hai. But aapka character bada acha laga mujhe. Oh, bhai, character ke liye 10. That makes your average 9. ये क्या है? लग रहा है. क्या? Oh! Wow! जीत गया. ना हमेशा. नहीं फूटेगा, नहीं फूटेगा. Bro, congratulations. क्या बात है? तो अभी ये जो पैसा आया है आपके पास? अभी तो कहाँ आया? अभी तो कहाँ? नहीं आ जाएगा अभी. डोंट वरी हम उधार चुकाते हैं सबका. तो अब क्या करेंगे इस धनराशि का आप? वो मेरा ई कॉमर्स का बिजनेस ठप पड़ा है. वो बेचारे के 500 वापस कर दो पहले यार. नहीं उसके तो निकलने मेरे पास थे मैंने तब भी नहीं दिए.
वो बात ईगो पे आ गई अब। ईगो पे आती तो हजार वापस करता ना, ये क्या ईगो पे आके चुरा लिया पैसा। उसको उसको याद तो रहेगा ना, अगर दे दूंगा तो भूल जाएगी। 500 वो याद रखेगी। अभी बात होती है उससे आपकी? नहीं नहीं होती। क्यों? मैसेज आया था एक बार। क्या आया था? पैसे मांग रही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंडियाज गॉट टैलेंट। दोस्तों, बादशाह और सिद्धांत चतुर्वेदी का एपिसोड अभी मेंबर्स के लिए रिलीज हो गया है। आप सिर्फ 60 रुपए महीने में मेंबरशिप ले सकते हो। वैसे मानना पड़ेगा, कई बार जीवन में हमारे गलत फैसले या एक छोटी सी गलती भी हमें अपनी बेस्ट जगह और ऊंची बुलंदियों पर पहुंचा देती है। वरना किसने सोचा था आज एक IT प्रोफेशनल जो एक अच्छा खासा पैकेज कमा रहा है, वो समय रहना जैसे एक प्रिंटिंग इंजीनियरिंग के YouTube चैनल के लिए 60 रुपए का मेंबरशिप बेचेगा। बट आई गेस लाइफ इज अनफेयर। उसको काम पे लगा दिया यार, उसको जो स्टार्टिंग में जो आया था ना, आई डोंट नो वीरल था नाम उनका, उनको जो है समय ने हायर कर लिया एंड अपना जो कमेंट्री जो है वो उनके आवाज में तुरंत रिकॉर्ड करवा लिया, मतलब लास्ट वाला पार्ट में, एंड डाल भी दिया भाई वीडियो के अंदर, फीचर हो गए भाई। मजा आ गया यार। बहुत ही स्टार्टिंग वॉज रियली नाइस। स्टार्टिंग के ही टाइम पे तो समझ में आ गया था कि एपिसोड बहुत एक नंबर हिट होने वाला है। समय तो भाई चार चांद लगा देता है हर एक चीज़ में। जहाँ पे हंसी नहीं भी आ रही होती है तो भाई वहाँ पे हंसी आ जाती है बिकॉज ऑफ समय। भाई पूनम पांडे को तो उसने छोड़ा नहीं भाई, एक तब मतलब उसको उसके पीछे ही बड़ा हुआ था बेचारी। ऐसे करके बेचारी ने पूरा एपिसोड निकाला है। तो या मज़ा आ गया। ये वाला एपिसोड भी एकदम ब्लास्ट था। तो चलो नेक्स्ट एपिसोड का वेट करेंगे। एंड इंडियाज गॉट लेडन के सारे एपिसोड बहुत ही अच्छे हैं एंड सारे एपिसोड पे मेरा रिएक्शन आ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल पे चेकआउट कर लेना। इंडिया समय के प्लेलिस्ट पे, समय रहना करके प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने सारे एपिसोड डाल रखे हैं, तो जाके ज़रूर से चेकआउट कर लेना। अगर आपको ये ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों को, ये भी दिखाना। वीडियो को ये एंड करेंगे, मिलेंगे हम आप लोगों से किसी और रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। बाय बाय।